मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज वी विल डू डेरिवेशंस ऑफ द फॉर्मूला। डेरिवेशंस किसकी कर रहे हैं हम? परमुटेशंस की कर रहे हैं कि उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसकी डेरिवेशंस क्या है। एन पी आर आप इस टाइप से डिनोट करोगे, इक्वल इसका क्या फॉर्मूला होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर। अगर आपके पास एन पी आर की फॉर्म में है, इसको सॉल्व करना है तो कैसे करोगे, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल। जो r है बेटा वो जो क्या होएगा, n के इक्वल होएगा या फिर क्या होएगा, n से छोटा होएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है बेटा, अगर आपके पास n p n मतलब सेम आता है, 6p 6 है, तो उसको क्या डिनोट करोगे आप, एन फैक्टोरियल, मतलब क्या आ जाएगा वो 6 फैक्टोरियल ही आ जाएगा। उसके बाद फैक्टोरियल को खोलना आता है, 6 5 4 3 2 1। अगर आपके पास एन पी ज़ीरो, इसको ज़ीरो नहीं बोलना, इसको बोलना है नॉट, एन पी नॉट, मतलब कि एन पी आर की वैल्यू अगर ज़ीरो है तो उसका आंसर क्या आएगा आपके पास, 1 आएगा। ये आपकी डोनेशन है तो याद रखनी है। उसके बाद क्या है बेटा आपके पास, थ्योरम नंबर 2 है, द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट टाइम वेयर रिपीटेशंस इज अलाउड इन एन आर। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है एन डिफरेंट है, मतलब कि आपके पास रोज है, तो कितने टाइम्स आ रहा है, उसमें लेटर्स कितने हैं, टोटल 4 है, टेकन आर एट टाइम वेयर रिपीटेशन इज अलाउ, उसमें रिपीटेशन क्या है हमारे पास, अलाउ है। अगर 4 अपने रोज में कितना है, 4 है, रिपीटेशन कैसे मर्जी लिख सकते हैं, आर आर लिख सकते हैं, ओ लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसको लिखने का क्या वे है, 4p4, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेके चले तो रोज की, तो उसमें कितनी है, 4p4। तो मैंने बताया था ना, n और r अगर सेम है तो आप उसको क्या लिखोगे, सेम आएगा 4 फैक्टोरियल, तो उसको क्या सॉल्व करके आ गया, 4 3 2 1। उसके बाद क्या है बेटा आपके पास, थ्योरम नंबर 3 है, द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेयर पी ऑब्जेक्ट आर ऑफ द सेम काइंड एंड रेस्ट आर ऑल डिफरेंट। इसका मतलब क्या है बेटा, एन ऑब्जेक्ट वही क्या आ गया अपने पास, टोटल आ गया, वेयर पी ऑब्जेक्ट्स क्या लेंगे, जो रिपीटिंग हो रही है, ठीक है। 04 में भी ऐसी है, इनको खोल के बताया कैसे, अलग अलग हो सकते हैं, आपको क्वेश्चंस करोगे और क्लियर हो जाएगा। टोटल आ गया अपने पास, तो जो रेस्ट फॉर्म में है, P1 P2 P3 एंड सो ऑन कितने भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 9 है, फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड क्या है, इलाहाबाद है। इसमें एन ऑब्जेक्ट कितने हैं, 9, मतलब टोटल वर्ड इसमें लेटर्स कितने हैं इलाहाबाद में, 9 है। रेस्ट का मतलब क्या, आप इसमें रिपीटेशंस देखोगे, नीचे क्या लिखना होता है, रिपीटेशन, ए कितने बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4, एल कितने बार रिपीट हो रहा है, 2, उसके बाद एच रिपीट नहीं हो रहा, बी रिपीट नहीं हो रहा, डी, तो आप वो 1-1 टाइम्स है, 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होते हैं, ठीक है, आप उसके बाद सॉल्व। उसके बाद क्या है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट 1 2 9, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, ठीक है। टोटल्स नंबर कितने हैं, 9 है, ठीक है। इसमें रेस्ट तो कुछ बताया नहीं है, इसमें क्या रिपीटेशंस अलाउ नहीं है, कितनी निकालनी है अपन ने, जो इनकी जो अरेंजमेंट्स करनी है, 4, तो क्या आ गया, 9p4। इसका फॉर्मूला क्या था, n फैक्टोरियल फॉर्म में n माइनस r फैक्टोरियल। ये स्टूडेंट्स आपने क्या करनी है, सिर्फ इनकी अरेंजमेंट्स करनी है, डेफिनेट अरेंजमेंट्स करनी है, आपके पास टोटल्स कितने हैं और किसका बनाना है, हमने 4 डिजिट नंबर का बनाना, तो इसको सिंपल डेरिवेशन लगाओ और इसको सॉल्व करो। हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 1000 कैन बी फॉर्म, डिजिट्स क्या है, 0 1 2 3 4 5, टोटल नंबर कितने होंगे आपने पास, 6 होगी, और रिपीटेशंस क्या है, अलाउ नहीं है।
ठीक है, अब हमने क्या कहना है, 100 और 1000 के बीच में नंबर्स कौन कौन से आएंगे, 101, 102, 103 आएगा, ठीक है, मतलब कि 3 नंबर्स आएंगे अपने पास। पहले तो टोटल का निकाल लेंगे अपन, 6P3 जिसमें रेपिटेशन अलाउ नहीं है, ठीक है, हमने क्या कर लिया 6P3 का निकाल लिया। माइनस कौन से करेंगे, 100 और 1000 के बीच में निकालना है, 100 और 1000 के बीच में निकालना है, तो क्या आएगा 101, 102। अगर 02 बीच में लाओ है, हमारे पास क्या गिवन है 0, 1, 2, 3, 4, 5, अगर तो 0 सेंटर वाले तो 3 वाले बन जाएंगे। अगर हम 0 सेंटर में नहीं लेते, स्टार्टिंग में लेते हैं, बाकी 1s, 10s, 100 की प्लेस पे लेते हैं, तो वो तो 2 का ही रह गया है, तो 100 से क्या हो गया, बिलो हो गया, 100 से कम हो गया। तो ये जो 0 अगर हम इसको फिक्स कर देते हैं 100 की प्लेस में, इसको क्या कर देते हैं, इस टोटल में, हमने ये टोटल फाइंड कर लिया अपन ने, 0 आ रही है चाहे नहीं आ रही, माइनस क्या कर दिया, तो 2 नंबर्स बन रहे हैं, 5V2, एक कम हो गया ना, 0 तो हमने फिक्स ही कर दी, इनकी रिपीटेशन कर रहे हैं अपन 1 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, तो क्या आ गया यहाँ पे 5V2। तो सॉल्व करना आता है बेटा, 6 फैक्टोरियल अपॉन में क्या आ गया एन माइनस आर, तो क्या हो गया 3 फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर 3 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व।